चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमने बहुत टाइम से साथ में जो है एक्सरसाइज नहीं की है। वैसे भी अभी दिवाली हो चुकी है, बहुत कुछ खाया पिया है मैंने भी और आपने भी, और पेट पतला करने की एक्सरसाइजेस खास तौर पे जो है मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। सब जो है हमारे पेट को, हमारे एब्डोमेन को, हमारी वेस्ट लाइन को जो है ट्रिम करने वाली एक्सरसाइजेस हैं। दो बातें कहूंगी, सबसे पहले ये कि आप ये एक्सरसाइज अपना स्टैमिना देख के कीजिए कि आप पहले कितनी एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ये एक्सरसाइज हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, कुछ नुकसान नहीं है इसका। दूसरी बात ये कि लेस्ली सैंसोनी की वॉक एट होम एक्सरसाइजेस जो है ये उनसे इंस्पायर्ड है, थोड़ा बहुत मैंने अपना भी कुछ डाला है, तो आप उनकी भी एक्सरसाइज देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ कीजिए। तो चलिए, वार्म अप एंड कूल डाउन दोनों इंक्लूड किया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू करते हैं और साथ में फिटनेस टिप्स और बातचीत तो हमारी चलती रहेगी। लेट्स बिगिन। तो पहले वार्म अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 आंखें भी साथ में नीचे 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 अब थोड़ा पैरों को ऐसे खोलेंगे और धीरे धीरे ये वाला स्टेप करेंगे, ऐसे करके जाएंगे नीचे, कोशिश करेंगे पूरी जमीन छुए और दूसरी तरफ ऐसे करके आएंगे, बड़ा अच्छा स्ट्रेच होता है। 1 बैक पे भी थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल भी जो है आप बाईपास मत कीजिए, 3 4 5 एक लास्ट और कर लेते हैं एंड 6 पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी तरफ घुमाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रेच कीजिए पूरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 दूसरा पैर सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी भी डायरेक्शन में पहले घुमा सकते हैं ऑपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 स्ट्रेच इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो है हम 5 मिनट के लिए ऐसे वॉक करेंगे, थोड़ा धीरे मीडियम स्पीड से क्योंकि अभी शुरुआत है हमारी एक्सरसाइज की। जैसे मार्चिंग करते हैं हाथ भी अच्छे से हिलाएंगे और पैर भी, ये हमारा एक तरीके से एडिशनल वार्म अप भी हो गया।
आपको चाहिए फ्रेंड्स तो मेरी आवाज बंद कर सकते हैं और अपने मन का म्यूजिक चला लीजिए। बस देखिए कैसे कैसे मैं कर रही हूँ, स्टेप्स फॉलो करते रहिए साथ में। 5 minutes we'll keep walking, आगे पीछे होते रहिए, जगह है तो, नहीं जगह है तो एक ही जगह पे कीजिए, थोड़ी जगह है तो थोड़ी जगह पे कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए। वेरी नाइस, चलते रहिए चलते रहिए। टेबल वगैरह है थोड़ा खिसका दीजिए, मैंने भी सब सेटिंग थोड़ी सी खिसका देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल सेफ है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी। अगर आपका स्टैमिना नहीं है, मुश्किल है, तो धीरे धीरे कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, चलते रहिए। ये देखिए जब हम हाथ ऐसे नीचे करके करते हैं वॉक, तो हमारा पेट भी साथ में हिलता है। और आज खास तौर पे हम सारी स्टमक एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, फ्लैट स्टमक, जो कि मैंने बहुत की है कोविड के टाइम पे भी, हर टाइम जब मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती एक्सरसाइज करने, घर पे करती हूँ, तो ये वाली जरूर करती हूँ। ऊपर करेंगे तो अगर आपको अपर बॉडी कम करनी है, ये सब जगह ज्यादा आपको कम करनी है, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, तो ये ऐसे करके उठा के ऐसे चलिए हाथ, ये इस तरह से चलिए, चलते रहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप वॉकिंग विद मी। आप लेज़ली सैंसोनी का वॉक एट होम जरूर देखिए, हो सकता है कई लोग करते भी हों, ये उसी से इंस्पायर्ड है, तो मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ उनको, थैंक्स करती हूँ कि इतनी अच्छी एक्सरसाइज उन्होंने सिखाई। मैं कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन मैं कम से कम 22 साल से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है एक्सरसाइज का, और ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत बहुत इफेक्टिव है। मैंने पूरे कोविड में ये एक्सरसाइज किए जब हम बाहर नहीं जा सकते थे। वेरी नाइस, कीप वॉकिंग, 5 मिनट होने ही वाले होंगे, अच्छा वार्म अप हो जाएगा हम सबका। प्रॉपर शूज पहन के ही कीजिए एक्सरसाइज, हमेशा कहती हूँ, मेरा वीडियो भी है एक एक्सरसाइज वेयर के ऊपर, जिसका लिंक ऊपर अटैच कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा, अगर ऊपर अटैच नहीं कर पाई, भूल गई, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। वेरी नाइस फ्रेंड्स, मेरी पूरी प्लेलिस्ट भी एक्सरसाइज विद लता, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बहुत सी होम एक्सरसाइजेस की है मैंने उसमें, तो हमारे साथ एक्सरसाइज कीजिए आप भी, चलते रहिए। वेरी नाइस, और पैर उठाइए अगर उठा सकते हैं, स्टैमिना अलाउ कर रहा है तो, और पैर उठाइए थोड़ा, ये वेरी गुड, ये वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड, कीप ऑन डूइंग, डोंट स्टॉप, करते रहिए मेरे साथ, चलते रहिए। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा, देखिए याद कीजिए कितनी मिठाई खाई थी दिवाली में, सब निकालिए, बंद कर दीजिए, मजा आ रहा है, एक्टिव हो गई मैं तो एकदम, वाओ लवली, कीप डूइंग, चलते रहिए बस, चलते रहिए, आगे पीछे चलते रहिए, चलते रहिए, बिलीव मी ये बहुत इफेक्टिव है, बाहर वॉक करने से भी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इस पे अभी हम पेट की और दूसरी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ये वीडियो खास पेट का है, तो इसलिए फ्लैट स्टमक एक्सरसाइजेस करेंगे हम, आराम से आसान वाली और बहुत इफेक्टिव वाली। थोड़ी देर और, बस होने ही वाला होगा टाइम, 5 मिनट खत्म होने वाले हैं, रुकिए नहीं, चलते रहिए। गुड गुड, कीप गोइंग, 10-15 मिनट भी अगर आप दिन में अपने आप को दें, मैं वैसे आइडियली कहती हूँ 35 मिनट दीजिए अपने आप को, 35 मिनट वॉक या कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए या मेरी एक्सरसाइजेस कीजिए, लेकिन 10-15 मिनट भी करेंगे तो बहुत अच्छा है, कुछ तो हो जाएगा कम से कम, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बहुत अच्छा फील करेंगे इसके बाद, आप देखिएगा। वेरी नाइस, कीप डूइंग, 5 मिनट हो गए, मेरा टाइमर बज गया है, तो अब हम अपनी पेट की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। 3 एक्सरसाइजेस करेंगे हम फ्लैट स्टमक की, जिसमें हमारा पूरा स्टमक, वेस्ट लाइन जो है वो कवर हो जाएगी,
और 3-3 मिनट हर एक्सरसाइज करेंगे, मतलब 9 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए चलिए लेट्स बिगिन, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है अभी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, पैर थोड़ा खोलिए और ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे लेके जाइए ऑपोजिट और ऐसे कीजिए। देखिए आपको फील हो रहा होगा पूरा पेट दब रहा है, दबा दीजिए जितना फैट खाया है, खत्म कर दीजिए उसे जितनी मिठाई खाई है। वेरी नाइस, 3 मिनट तक हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे चेंज करते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, वेरी गुड, ऐसे 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 ऐसे। देखिए पूरा जो अब्डोमेन है आपका फील हो रहा होगा। बस एक चीज कहूंगी, अपना जो कोर है, जो अंदर है ये जगह, जो सेंटर हमारा होता है, इसको टाइट रखिए, ढीला मत छोड़िए, और ऐसे पीछे टेढ़े में ऐसे नहीं होइए, बिल्कुल सीधे खड़े रहिए, स्ट्रेट एंड लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, एकदम स्ट्रेट, पेट टाइट रखिए अपना, एकदम खींच के रखिए ऐसे टाइट। लेकिन पेट टाइट करने में सांस मत रोक लीजिएगा, सांस लेते रहिए। वेरी नाइस, देखिए पता चल रहा है इफेक्ट हो रहा है एक्सरसाइज का, मैं भी हाँफने लगी हूँ। keep doing, हाथों को अब चेंज करेंगे थोड़ा सा हम, अभी तो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, और इफेक्टिव बनाएंगे, पीछे छूने की कोशिश करेंगे, पीछे छोइए, ये ऐसे ऐसे। अगर आप थक रहे हैं तो बीच में वॉक शुरू कर दीजिए, जो अभी हम कर रहे थे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर लीजिए जरा सी वॉक करके, क्योंकि 3 मिनट हम करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा टाइम होता है। वेरी नाइस, गुड गुड गुड, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग, चलते रहिए, नहीं तो खाली वॉक करते रहिए, फिर शुरू कर लीजिए इसको। वेरी गुड, डोंट स्टॉप, डोंट क्विट। फोन बचा है लेकिन मैं उठाऊंगी नहीं तो पूरा ब्रेक हो जाएगा मेरा एक्सरसाइज का पैटर्न, साइलेंट करना भूल गई फ्रेंड्स में फोन को, आप लोग समझ ही सकते हैं पीछे बज रहा है। हाँ, हैंड वॉट बंद हो गया। अब हम हाथ ऐसे ऊपर से पूरे लेके जाएंगे, छुएंगे, बहुत थाइस पे इफेक्ट होगा आपकी, ये जगह पूरी हो रही होगी, दुख रही होगी, और ये पेट पूरा ऐसे घूम रहा है, एकदम घूम रही है, कमर पतली हो रही है, पेट अंदर जा रहा है। इमेजिन कीजिए अपना एकदम टोन्ड अच्छा सा स्टमक, वाओ अमेजिंग, व्हाट द पेन। फिर से कहूंगी अगर स्टैमिना कम है आपका तो प्लीज वॉक कीजिए, वॉक करने लगी है बीच में फिर रिज्यूम कर लीजिए इसे, क्योंकि काफी लंबी है ये एक्सरसाइज, क्योंकि हम एकदम जो अपना कोर अपना पेट पूरा जो है वो कवर कर रहे हैं इसमें। अलार्म बज गया है, 3 मिनट आर ओवर, वेल डन। थोड़ी सी वॉक करेंगे, थोड़ा आराम देंगे अपने पेट को और लेग्स को, पेट थोड़ा टाइट रखिए और वॉक करते रहिए, फिर हम अपनी दूसरी स्टमक एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बिलीव मी दीज एक्सरसाइजेस आर वेरी इफेक्टिव, और सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि हमारे थाइस लेग्स सबको जो है एम करती है। वेरी नाइस, चलिए शुरू करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, पहले धीरे धीरे फिर फास्ट करेंगे, 3 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया, ऐसे कीजिए, ये ऐसे 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 ऐसे, पैर ऐसे मतलब टोट पीछे टच कीजिए, लाइक दिस, गुड। पहले धीरे करके दिखा रही हूँ, आप फील कीजिए यहाँ आपको पूरा ये वेस्ट लाइन, ये देखिए मुड़ता हुआ फील हो रहा होगा एकदम, जो साड़ी में हमारी साइड से वेस्ट दिखती है ना ये पूरी देखिए घूमती हुई, मुझे तो फील हो रही है, आपको फील हो रही है कि नहीं, छू के देखिए जरा ऐसे ऐसे कीजिए, छूइए, हो रही है ना, यस इट इज वेरी इफेक्टिव, थैंक्स टू लेस्ली। एक एज के बाद क्या है, मुझसे बहुत ज्यादा जिम वगैरह नहीं जाया जाता है, टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अभी भी मुंबई में ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, होमवर्क कराना, बैठ के साथ में देखना क्लास, YouTube वीडियोस बनाना, और भी बाकी घर के 100 काम है, थाली नाश्ता ये वो सब चलता रहता है,
तो ऐसी एक्सरसाइजेस मुझे बेस्ट लगती है जो कम टाइम में हो जाए और इफेक्टिव हो। लेकिन मैं डेली मतलब हफ्ते में 4 से 5 बार 35 से 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करती हूँ। अब हम अगर कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसे जंप करके करेंगे, कर सकते हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, हल्का जंप ताकि घुटनों वगैरह पे कहीं असर ना हो। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे रखिए। वेरी गुड, डोंट स्टॉप, यू आर माय स्वीट हार्ट्स, डोंट स्टॉप, कीप डूइंग, वंडरफुल। वेरी गुड, करते रहिए अगेन। अगर आप थक रहे हैं पूरा, जब ऐसे हो ना पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, ये घुमा दीजिएगा, मत ये स्टैमिना ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, हल्का हल्का, जैसे जैसे स्टैमिना बढ़े बढ़ा दीजिएगा। मैं थोड़ा और फास्ट ले रही हूँ, आप अगर कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। डांस स्टेप ऐसा लग रहा है ना, एक्सेलेंट वर्क, ग्रेट 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 वर्क यू ऑल आर डूइंग। रुकिए नहीं, बस करते रहिए, थक रहे हैं पहले की तरह तो वॉक कीजिए, फिर शुरू कीजिए, थोड़ा एक दो कदम ऐसे वॉक करनी शुरू कर दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए, पुल कीजिए कुछ, हाथों की एक्सरसाइज साथ में हो जाएगी पेट के साथ है। ये देखिए, खींचिए खींचिए खींचिए, स्टमक टाइट खींचिए, स्टमक टाइट, पुल पुल, खींचिए खींचिए, स्टमक टाइट। अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। थोड़ा आगे पीछे हुई है, थोड़ा सा चलते रहिए, रिलैक्स कीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। रिलैक्स मतलब वॉक में रिलैक्स कीजिए, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये देखिए नीचे कर रही हूँ, पेट पूरा घूम रहा है, कमर पैक एक टा रहा है। आर्म्स आर्म्स हिलाइए, आर्म्स की जिनको चाहिए पतले कर रहे हैं हिलाइए इनको अच्छे से, शोल्डर्स आर्म्स, इवन हमारी चेस्ट, ये जगह भी कम हो जाती है इससे। ओके, कीप मूविंग। थर्ड एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, अगेन बहुत इफेक्टिव और इजी है, सो लेट्स बिगिन नाउ। अब जैसे पैर पीछे रखा था मैंने आगे रखेंगे। ये देखिए हील, हील टच कराइए इसे, आपकी जो हील है ना एड़ी वो टच कराइए इसे, ये हाथ घुमाते रहिए। हाथों की पोजिशन अभी हम बाद में चेंज करेंगे, अभी तो हम स्लो मैं दिखा रही हूँ आपको, उसके बाद ये। वेरी गुड वेरी गुड, डोंट क्विट फ्रेंड्स। इसके बाद बस एक और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, जाइएगा नहीं, पूरी करके जाइए। और रिक्वेस्ट है, प्रॉमिस कीजिए मुझसे, कूल डाउन छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं पे, कूल डाउन मेरे साथ करके ही जाएंगे। बहुत नुकसान होता है शरीर को, हार्ट को, ब्रेन को, अगर हम कूल डाउन नहीं करते प्रॉपर। ये हो गया, ये आ गया अब आपको, लेट्स बिगिन। ये डांस नहीं करते वैसे, ये गाने लगा लीजिए अपने पसंद के, कीजिए एक्सरसाइज लेकिन साथ में मेरे, ये keep doing, 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 sweep बढ़ाएंगे थोड़ी सी। Young girls कूद के भी कर सकती है, like sorry चल उल्टा कूद गई मैं। Young girls इसे कूद के भी थोड़ा सा कर सकती हैं, ऐसे 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 कूद सकते हैं तो कूदिए, अगर लग रहा है आपके joints पे असर होगा तो कूदिए। अपना stamina age group देख लीजिए, उसके बाद exercise कीजिए मेरे साथ। ये ऐसे pass करेंगे तो भी बहुत effective है। keep doing, yes straight, pay tight. सोचिए आपका फ्लैप्स जिस स्टमक आ रहा है, जिस एरिया की एक्सरसाइज हम करते हैं, ये हमारी एक ब्रेन ट्रिक है एक्चुअली। उस एरिया के बारे में सोचना, उस टाइम उसे इमेजिन करना बहुत जरूरी है। नहीं हो रहा है इमेजिन तो छुइए उसे, टच कीजिए, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाइए, माइंड बॉडी कनेक्शन बोलते हैं इसे, छुइए टच कीजिए कि हाँ ये
इमेजिन कीजिए ये क्या है, विजुअलाइजेशन टेक्निक साथ में करेंगे तो बड़ा जल्दी इफेक्ट होगा। आप मेरा वीडियो देखिए जो मैंने प्रेगनेंसी के बाद जो है फैट टू फिट का जो है कैसे मैंने जो है इतना सारा वजन कम किया, खुद से मोटिवेट होके, कोई जिम वगैरह नहीं की थी, घर पे ही किया, बिल्कुल बेबी छोटा था, बाहर तो जाना मुश्किल था, ऊपर से मैंने जल्दी शूटिंग भी रिज्यूम कर ली तो और मुश्किल था, लेकिन जो जितनी भी हो पाई एक्सरसाइज करती रही क्योंकि मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस था। आपको ये कहूंगी कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है बहुत सालों का, ट्रेनर रखना चाहते तो बिल्कुल रखिए। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी 3 मिनट हो गए, थोड़ा सा और कर लेते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट भी है, सॉरी 3 मिनट हो गए फ्रेंड्स, अलार्म बजा है, ओके रुकते हैं, अब हम वॉक करते रहिए। इस एक्सरसाइज में रुकने का मतलब है वॉक करते रहिए। और अब आ गई है हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो कि हम थोड़ी सी वॉक करने के बाद शुरू करेंगे। मैंने जो है इस तरह की एक्सरसाइजेस 20 मिनट्स की भी डाली है, 10 मिनट्स की भी डाली है, तो अगर आप इकट्ठी करते हैं वो मतलब 20 मिनट्स की 10 मिनट्स ऐड करके सारी डाउनलोड करके रख लीजिए अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आराम से कीजिए, इकट्ठी करते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी कि लंबे टाइम तक आप कर सकेंगे। जैसे जैसे स्टैमिना बढ़े ऐसे ऐसे करते जाइए, थोड़ा तेज वॉक करते हैं क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद तो आराम ही आराम है। Keep doing. Don't quit. Keep doing. Very nice. Lovely. Clap for you all. जिसने आज ये देख के एक्सरसाइज की, I clap for them. Yeah. आगे पीछे होते रहिए जितनी जगह थोड़ा अपना और बर्न करते हैं, फैट वगैरह फिर शुरू करते हैं टोनिंग एक्सरसाइज हमारी वेस्ट लाइन। पूरी हमारी कमर जो है वो असर हो रहा है, पूरी दबरी है, ऐसे देखिए पूरी आप छू के देखिए एक बार करते टाइम, इमेजिन कीजिए एकदम पतली होती जा रही है। एक पानी की बॉटल भी हाथ में ले सकते हैं या फिर वेट ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे कीजिए कोई बात नहीं, ऐसे भी इफेक्टिव है। बस से क्या है, 3 मिनट है तो हम जो है वो 1.5 मिनट करेंगे। मैं थोड़ा पीछे हो रही हूँ क्योंकि मैंने टाइमर 3 मिनट का लगा दिया जबकि मुझे 1.5 मिनट का लगाना चाहिए था। सो आई एम डूइंग इट लाइक दिस, हाँ होने वाला 2 मिनट। वेरी नाइस, कीप डूइंग। ऊपर आई तो ब्रीथ आउट, अंदर नीचे जाए तो ब्रीथ इन। बचे इस साइड को, चाहे तो आप 2-2 मिनट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसे इतना भी काफी है वैसे। चलिए दूसरी साइड शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन विद द अदर साइड, आपको आगे आके दिखा दूं मैं। Let's begin with the other side. बस ये एंड है फ्रेंड्स, जाइए कर ही पूरे अपनी बेसलाइन ट्रिम करके जाइए, टोन करके जाइए। फ्री हैंड एक्सरसाइजेस भी बहुत इफेक्टिव होती है।
दिखा दूं आपको। होप आपको समझ में आ गया होगा। रही है बस आने वाला है एंड, एक सुखद एंड। आपको बड़ा अच्छा फील होगा इसके बाद। देखिए ना जगह लगी ना कुछ, कोई इक्विपमेंट लगा, आराम से घर के अंदर एक्सरसाइज हो गई और क्या चाहिए। We are heading towards the end. Don't go. Be with me. But kya hai hamara timer? Keep walking. Ab hum bilkul jo hai wo relax walk karenge. Thodi si halki halki walk karenge. Ye hamara cool down begin ho chuka hai. Chahiye to bas aise aage piche hote rahiye. Aage पीछे पीछे देख के टकराइएगा नहीं किसी चीज से। मैं कभी कभी टकरा जाती हूँ उस कुर्सी से। हाँ ना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए थोड़े से टाइम में आपने कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर ली। मेरी प्लेलिस्ट देखिए और भी देखिए, आप देखते ही होंगे शायद व्हाट्स इन माय थाली टुडे, व्हाट्स इन माय नाश्ता थाली टुडे जो की नई प्लेलिस्ट शुरू हुई है। बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती हूँ। अरे जो लोग नए हैं उन्हें इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मैं लता सबरवाल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने एक्टिंग के एक्सपीरियंसेस भी बहुत जो है शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे। बने रहिए मेरे साथ और सारे आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो आप चाहे मैं उनको करके दूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मैं आपकी वजह से तो आज इतना हैप्पी और अच्छा फील करती हूँ। लव यू ऑल फॉर एक्सरसाइजिंग विद मी टुडे। लेट्स बिगिन विद स्ट्रेचिंग। हमारी जो है कूल डाउन स्ट्रेचेस बिगिन करते हैं। या हमारी कुर्सी, किसी दीवार का सहारा ले लीजिए, कोई भी सहारा ले सकते हैं आप हल्का सा ऐसे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The other leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फ्रेंड्स अगर बिल्कुल नए हैं एक्सरसाइज में तो ये स्ट्रेच वगैरह भी ना बिल्कुल आराम से कीजिए। ओके, अब इसके बाद जो है ये जो पैर है थोड़ा सा आगे लीजिए ऐसे कीजिए और इसको ऐसे पकड़िए अगर पकड़ सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ बड़ा आराम मिलेगा। ये बैंड ही नहीं, ऐसे ऐसे किया स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये एक्सरसाइज स्ट्रेच जो मैं दिखाने जा रही हूँ अगर कर पाए तो भी कीजिएगा, बिल्कुल नहीं है तो मत कीजिए। हाथ पीछे लेके ऐसे बांध दीजिए, बिल्कुल मत जाइएगा कूल डाउन किए बिना। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पैरों को हमने खोल लिया,
और ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 आराम से सो जाइए। और बस फ्रेंड्स अब जो है आप शवासन में लेट जाइए। अगर आपको जो है मेरे साथ एक्सरसाइज करना अच्छा लगा और आप मेरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं फैशन फूड फिटनेस और लाइफ की, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा मोटिवेशनल और दूसरे टाइप का स्टफ मैं डालती हूँ, वीडियोज डालती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एक्सरसाइजिंग विद मी।